श्री कृष्ण नहीं बल्कि इस ऋषि की वजह से द्रौपदी के चीरहरण के समय बची लाश। शिव पुराण में द्रौपदी के चीरहरण से संबंधित एक ऐसी कहानी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सभी को ये बात अच्छे से मालूम है कि द्रौपदी का जब भरी सभा में चीरहरण हो रहा था तब श्री कृष्ण थे जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी। पर क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे यदि हम कहें कि श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि ऋषि ने बचाई थी द्रौपदी की भरी सभा में लाज? क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि द्रौपदी को मिले वरदान के कारण ही द्रौपदी भरी सभा में अपना अपमान होने से बचा पाई थी? द्रौपदी यदि ऋषि की सहायता नहीं करती तो उन्हें ये वरदान नहीं मिलता, और वरदान नहीं मिलता तो फिर कौन द्रौपदी की संकट के उस क्षण में सहायता करता, और कैसे द्रौपदी के सम्मान की रक्षा हो पाती? आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक पौराणिक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल द भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ऋषि के इस वरदान ने पांडवों और द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित होने से बचाया। शिव पुराण में वर्णित इस कहानी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल एक बार भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले ऋषि दुर्वासा नदी में स्नान कर रहे थे। नदी का बहाव काफी तेज था और अनियंत्रित लहरों की वजह से दुर्वासा के वस्त्र नदी में बह गए। ऋषि दुर्वासा ये देखकर बहुत चिंतित हो उठे। उस नदी के तट पर द्रौपदी भी उपस्थित थी। उन्होंने अपने वस्त्र को फाड़कर कुछ टुकड़ा दुर्वासा ऋषि को दे दिया। द्रौपदी के इस करुणामय व्यवहार से ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान दिया कि जब भी तुम्हें संकट में वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी तब तुम्हारे वस्त्र अनंत हो जाएंगे। ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए इसी वरदान की वजह से भरी सभा में जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तब द्रौपदी की साड़ी के कई टुकड़े हो जाने की वजह से उनके सम्मान की रक्षा हुई। इस तरह द्रौपदी की एक वरदान ने रक्षा की। तो कैसी लगी आपको शिव पुराण में वर्णित ये पौराणिक कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।